स्कूल के बच्चों की जिस वजह से मौत हुई है वो एविडेंस कोलीवाड़ा के लोगों ने एविडेंस रूम से चुरा लिया है, ऐसा पुलिस का कहना है। आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, सो गिव मी सम टाइम, वेल स्टार्ट करते हैं। रॉकिंग स्टार यश केजीएफ के बाद से बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसका नाम आपने हमारे थंबनेल पे देखा, टॉक्सिक। टॉक्सिक कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसको आप अंडररेटेड कर सकते हैं। अक्सर जितने भी मूवी है उनकी स्टोरी से रिलेटेड ही उनका टाइटल का अनाउंसमेंट किया जाता है। तो वेल सबसे पहले बात करेंगे कि टॉक्सिक है क्या, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ टॉक्सिक एंड व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट टू नो। तो बात करते हैं इस पे। अब सभी को पता है कि रणबीर कपूर की मूवी एनिमल जो कि अभी फिलहाल में आई हुई थी और इसके डायरेक्टर जो संदीप रेड्डीवंगा थे। आपको बता दूं कि इस मूवी के स्टोरी के रिलेटेड ही इस मूवी का टाइटल था, जैसे कि इस मूवी के अंदर रणबीर कपूर हैज नो एनी फीलिंग्स, सो इस मूवी का टाइटल था एनिमल, बिकॉज एनिमल हैव नो फीलिंग। आप रिलेट कर सकते हो लायन से, क्योंकि लायन के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होता है, किसी का भी शिकार कर सकता है। कुछ उसी प्रकार उस मूवी का स्टोरी भी था, जिसमें रणबीर कपूर को आप साफ तौर से शिकार करते हुए देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रणबीर कपूर के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होता है, वो किसी को भी मार देते हैं, काफी ज्यादा वायलेंस करते हैं इस मूवी के अंदर। अगर सही मायने में बात करें तो बॉबी देओल जो कि इस मूवी के अंदर उनके कजन का रोल कर रहे हैं, वो अपने कजन को ही मार देते हैं इस मूवी के अंदर, जो कि एक वायलेंस है। इस मूवी में वायलेंस है इसलिए इस मूवी का नाम एनिमल रखा गया था, लेकिन कुछ उसी प्रकार का रॉकिंग स्टार यश के द्वारा किया गया है, इस मूवी का नाम रखा गया है टॉक्सिक। आई होप रॉकिंग स्टार यश ने कुछ इसी प्रकार का खेल रचा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो टॉक्सिक वर्ड कोई नॉर्मल नहीं है, आप इसको अंडररेटेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टॉक्सिक वर्ड बहुत अपने आप में पावर रखता है। इट मीन्स वेनम और पॉइजन से भी ज्यादा हाई। एक्चुअली अगर मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो जहर या विष को वेनम बोलते हैं या पॉइजन बोलते हैं, और जब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है तो टॉक्सिक वर्ड का यूज किया जाता है। और इस मूवी का नाम टॉक्सिक रखा गया है, तो आप सोच सकते हैं कि इस मूवी के अंदर कितने बड़े पैमाने पे वायलेंस होने वाला है। अभी आपने एनिमल देखा, एनिमल के अंदर रणबीर कपूर को वायलेंस करते हुए देखा, वो दृश्य आपके दिमाग में चल रहा होगा, कहीं ना कहीं उसकी यादें कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होंगी, लेकिन वो सारी धूमिल पड़ जाएंगी जब आप टॉक्सिक से परिचित होंगे, बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ी मूवी है, इसको आप अंडररेटेड नहीं कर सकते। इस मूवी में सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान इस मूवी के अंदर नजर आने वाले हैं, जो कि इस मूवी का थोड़ा सा क्रेज बढ़ा देता है। जब से ऐसा अनाउंसमेंट आया उसके बाद से ये मूवी कोई अंडररेटेड नहीं रह गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी का नाम भी टॉक्सिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा विषैला है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और इसमें रॉकिंग स्टार यश हैं जो कि लीड रोल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस मूवी को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं यश कुमार, और एक्टिंग भी कर रहे हैं इस मूवी के अंदर, जो कि इस मूवी को एक अलग वाइब्स दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें शाहरुख खान का केमियो है, जो कि इस मूवी में चार चांद लगाने का काम कर रहा है। अगर एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो शाहरुख खान इस मूवी के अंदर 45 मिनट तक केमियो कर सकते हैं। एक्चुअली में ये कोई केमियो नहीं है, क्योंकि 45 मिनट का कोई केमियो नहीं होता है, ये एक बहुत ही बड़ी रोल है जो कि शाहरुख खान करने वाले हैं। इफ मैं कुछ बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि आप सभी को पता होगा कि रजनीकांत की मूवी थलेवर 171 के अंदर शाहरुख खान का केमियो के लिए बात हुआ था, लेकिन शाहरुख खान ने दम से डायरेक्टली उसे इनकार कर दिया, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत ही बड़े दिग्गज अभिनेता हैं भारतीय सिनेमा के अंदर। इनकी मूवी 1000+ इनकम करती है वर्ल्ड वाइड, 1500 करोड़ तक की इनकम करती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान बड़े एक्टर हैं जिसके कारण किसी मूवी में केमियो करने से इनकार कर देते हैं। एक्चुअली रीज़न ये होता है कि सबसे पहले शाहरुख खान स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट अगर उनको अच्छा लगता है तभी वो मूवी के अंदर केमियो करने के बारे में सोचते हैं। अब सभी को पता होगा कि पिछले साल रणबीर कपूर की ही मूवी ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान जो है केमियो किए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी का स्क्रिप्ट अच्छा था और शाहरुख खान को काफ़ी पसंद आया था, जिसके कारण शाहरुख खान ने इस मूवी के अंदर केमियो भी किया था। ऐसे बहुत सारे लोग जो है मेरे से सवाल कर रहे थे कि शाहरुख खान कैसे हो सकता है कि इस मूवी के अंदर ही काम करेंगे, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसी बातों से मेरा कमेंट बड़ा पड़ा है, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए क्योंकि ये मूवी बहुत ही बड़ी है, इसको आप अंडररेटेड नहीं समझिए, और इसी कारण है कि शाहरुख खान इस मूवी में काम कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस मूवी के डायरेक्टर गीता मोहन दास ने साफ तौर से कहा है कि ये मूवी बहुत ही बड़ी होने वाली है, और ये मूवी जो होगी गैंगस्टर टाइप की होगी, जिसमें सस्पेंस और एडवेंचर भी देखने को मिलेगा।
जो कि इस मूवी को एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट देता है। एक्चुअली अगर सही आइडिया आपको दूं तो रॉकिंग स्टार यश KGF के बाद से अगर कोई बड़ी बजट की मूवी कर रहे हैं जिसकी स्टोरी और टाइमलाइन बहुत ही बड़ी होने वाली है तो मूवी टॉक्सिक है। जब से ये अनाउंसमेंट आया कि शाहरुख खान इस मूवी के अंदर कैमियो करने वाले हैं तब से इस मूवी का हाइप जो है नेक्स्ट लेवल का चला गया है। सही मायने में बताऊं तो शाहरुख खान इस मूवी के अंदर आ रहे हैं जिसके कारण ये मूवी जो है पैन इंडिया की बन चुकी है और इस मूवी का अर्निंग जो है 1500 से लेकर 2000 करोड़ तक आसानी से पार कर सकता है क्योंकि ये मूवी जो है पैन इंडिया की बन चुकी है। और ऐसे ही आपको पता है कि रॉकिंग स्टार यश की जो KGF थी पूरी भारत में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और एक नया स्क्रिप्ट से लोग परिचित हुए थे। कुछ उसी प्रकार इस मूवी के अंदर भी है क्योंकि ये मूवी एकदम से खतरनाक होने वाला है। ये नाम में ही दम है टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा जहरीला, बहुत ही ज़्यादा विषैला। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चलिए बाय, टेक केयर।